गलत है। अपनी विरासत को इस तरह से अवहेलना करना ये अशोभनीय है और ये मानसिकता कहने के हैं राष्ट्र के हित में नहीं है। इस तरह की मानसिकता उचित नहीं है। महोदय ललित जी तो पढ़ते नहीं है, उठ खड़े हो जाते हैं। महोदय सब पढ़ लिए, इस तरह का नहीं बोलिए, सब पढ़ा हुआ है। आपके प्रश्न में भी है, उत्तर को भी पढ़ा है। महोदय जवाब दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ उत्तर, आप महोदय इसको आप ही इसका निर्णय करें। इन लोगों से सखना मुश्किल काम है। पढ़ दीजिए, पढ़िए मंत्री। वस्तुस्थिति यह है, वादी के उमा शंकर गुप्ता, साकिन सुरबनिया, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज के लिखित आवेदन के आधार पर, फुलवरिया थाना कांड संख्या मान FIR के आधार पर, फुलवरिया कांड संख्या 250/18 दिनांक 30/10/18 धारा 341, 323, 504, 379, 147, 148 भदवी एवं 27 एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त FIR में जो अभियुक्त का नाम है सुरेंद्र भगत, गौतम सिंह, सुभाष सिंह, मोहन सिंह, पंकज सिंह, धुनुन सिंह एवं किशोर माझी ने मारपीट करने, फायरिंग करने एवं गले से सोने का चेन छीन लेने के आरोप में दर्ज कराया गया। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के से उक्त कांड की धारा 341, 323, 307, 504, 6, 379, 147, 148 भदवी एवं 27 एक्ट के अंतर्गत प्रथम दृष्टिया नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया। फर्स्ट स्टेज में प्राथमिक अभियुक्त सुरेंद्र भगत, मोहन सिंह, पंकज सिंह, टुन्नू सिंह, किशोर माझी मान्य न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त हैं तथा प्राथमिक अभियुक्त गौतम सिंह दू सुभाष सिंह की संलिप्तता अन्यत्र की जांच के कारण अन्यत्रता की जांच की मैंने बाहर रहने की जांच के हेतु कान अनुसंधान अंतर्गत है। इसमें कहां कोई कंफ्यूजन है, क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है? जानना चाहते हैं कि ये सुभाष सिंह और गौतम सिंह जब अपने विदेश रह रहे हैं उसका नाम महोदय इस घटना में ट्रू कर दिया गया तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करना चाहिए? सुन तो लीजिए, ट्रू कर दिया गया, पिटीशन दिया तो फिर क्या कहा जा रहा है कि जांच के अंतर्गत है, एविडेंस दे, एविडेंस दे। नहीं अब नहीं चलेगा, इसको जांच करवा लीजिए। फिर से जांच करवा लेंगे, कह दिए है मंत्री जी। आप प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार होने सदन पटल पर रख दिए जाए। क्या जो बाहर है? माननीय मंत्री जी ने साफ कहा कि इसकी फिर से हम लोग दिखवा लेते हैं। आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ गए।